require for short term vision or for long term vision? Long term vision. And for the short term vision? ये देखो ऐसा है ना कि कट नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है. हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल दवे. अगर आप अपनी क्रश को पटाना चाहते हैं, वेट अ सेकंड, पटाना इज नॉट अ गुड वर्ड. वी शुड यूज इम्प्रेस करना चाहिए. फर्स्ट वी हैव टू रिस्पेक्ट टू फीमेल्स. रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी. इसीलिए पटाना बंद करो और इम्प्रेस करना शुरू करो. तो अगर आप अपनी क्रश को इम्प्रेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाकी लड़कों की तरह लड़कियां आपके ऊपर भी अट्रैक्ट हो, आपके ऊपर भी लट्टू हो, तो आपको कुछ कुछ क्वालिटीज और कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, सो इस वीडियो के अंदर आज हम उन्हीं क्वालिटीज और उन्हीं बातों पर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं. दिस वीडियो कुड बी लिटिल बिट लॉन्ग, बट इफ यू वांट गर्ल्स अट्रैक्ट ऑन यू, यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर क्या रहे हो, हैं? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि काफी कमाल की चीजें, काफी कमाल के कंटेंट्स में आप सभी लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, तो जल्दी से करो. देखिए, मेल पर्सपेक्टिव तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट वी नीड फीमेल पर्सपेक्टिव एज वेल. ओके, सो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो के अंदर मेरी प्यारी और मेरी खास दोस्त को इन्वाइट किया है. Her name is Prachi, और वो आपको बताएंगी what attracts the girl most. Hello Prachi. Hi Vishal. How are you? I'm pretty good. What about you? I'm feeling fine. By the way, you're looking stunning today. Thank you. Oh, this is my YouTube channel called Vishal Dave VED. इसमें हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ऐसी ही एक प्रॉब्लम आज हमें मिली है जिसका नाम है what attracts the girl most. क्योंकि आजकल के लड़कों को ये पता नहीं है कि भाई गर्ल्स को अट्रैक्ट कैसे करें उनकी तरफ. ओके, सो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा. अब हम आपसे बोलते हैं दैट पहली नजर में कैसा जादू कर दिया. इस तरीके की चीजें क्या गर्ल्स के साथ होती है या सिर्फ बॉयज के साथ ही होती है? होती है. हाँ, कुछ लड़कियों की होती है. ओके, सो होती है भाई, याद रखना. जितने भी दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, याद रखिए होती है. ओके, सेकंड क्वेश्चन, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो बॉयज के अंदर होनी चाहिए अगर उन्हें गर्ल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है? तो एक एक करके बताइए, लेकिन उसको इलैबोरेट कीजिए अच्छे से. फर्स्ट, हम्बल. ओके, काइंड हार्ट. ओके, लुक्स पे मैटर करता है समटाइम्स, लेकिन जैसे हाँ, ये मैं पूछने वाला था, डू लुक्स मैटर? हाँ मैटर. हाँ, कुछ लड़कियों को मैटर करता है, कुछ लड़कियों को अगर बंदे का दिल सही है ना, वो भी अट्रैक्ट करता है. ओके, काइंड हार्ट. अच्छा, तो अगर दिल आपका साफ है तो डेफिनेटली गर्ल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी. अच्छा, इसमें फ्रेग्रेंस का कुछ रोल है? ड्रेसिंग सेंस एंड फ्रेग्रेंस वाला? ऑफ कोर्स, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, फ्रेग्रेंस स्मेल नाइस. ओके, अट्रैक्ट करता है. हेयर्स अच्छे होने चाहिए. ओके, एंड फर्स्टली सबसे मेनली है ना, लड़कियों को क्या रहता है कि कोई बंदा है वो उनको रिस्पेक्टफुली बात कर, रिस्पेक्ट. यस एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट. जैसे कि मैंने पहले कहा, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू फीमेल्स. ओके, सो यही पर यहाँ पर ये बात कर रही है रिस्पेक्ट की. आपको रिस्पेक्ट सबसे पहले देनी पड़ेगी. ओके, और ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल. अब आप बताइए, बैड बॉयज और गुड बॉयज? Good boys? Are you sure? Sure. Good boys. आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा भाई, जरूर लिखिएगा. क्या गर्ल्स को गुड बॉयज अच्छे लगते हैं या बैड बॉयज अच्छे लगते हैं? इनके अनुसार तो गुड बॉयज अच्छे लगते हैं. अच्छा, और कौन कौन सी बातें हैं जिनका बॉयज को ध्यान रखना चाहिए? ओके, टॉक टू हर. ओके, लिसन टू हर. ओके, मेक हर कंफर्टेबल. ओके, हाँ, कंफर्टेबल फील कराना जरूरी है. जरूरी है, तो सिक्योर फील कराओ उनको. अच्छा, सिक्योर फील करवाना है. ओके, सो आप कंफर्टेबल रहिए, सिक्योर फील कराइए. और हाँ, गर्ल्स के साथ ना हमेशा नॉर्मली बिहेव करना ही ज्यादा अच्छा रहता है. नहीं, सब गर्ल्स को क्या है, उसको स्पेशली ट्रीट करे ऐसा लगता है. कुछ लड़कियों को लगता है कि वो नॉर्मली. अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी. ओके, एवरीवन हैज देयर ओन मेंटालिटी. ओके, तो जैसे कि आप मेरे को भी कंफर्टेबल फील करवा रहे हो, मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा,
कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मैटर करती है। अगर आप किसी गर्ल को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो बॉयज के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है? ऑफ कोर्स करती है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर आप नॉर्मल हो, ठीक है, सिंपल हो, और अगर आप चाह रहे हो किसी लड़की से तो मैं चाहूँ कि प्रोफेशनली बात करो जैसे, तो नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। आप जैसे हो, नॉर्मल हो, वैसे भी उससे बात कर सकते हो, प्रोफेशनली भी कर सकते हो। ओके ओके, मतलब आप अगर नॉर्मल हो तो नॉर्मल भी आप जाके बात कर सकते हो, लेकिन हाँ, हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। आपको शिविर नहीं करना है। अक्सर बॉयज जो है वो शिविर करते हैं गर्ल से बात करते समय, क्यों यार क्यों शिविर करते हो, वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, क्यों इतना, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे फ्रेंड से बात करते हो वैसे ही जाकर के बात करो, ये कहना चाहती थी ना। तो ये सब बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप किसी भी गर्ल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ। देखो यार, पहले तो अट्रैक्ट करने की भावना ही मत रखो, ओके, ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होंगी, लेकिन इन बातों का आपको ध्यान रखना है तब। तो दैट्स इट इन माय टुडेस वीडियो, दिस वाज विशाल दुबे एंड थैंक यू सो मच प्राची विनीत्स वीडियो, ये ओके, थैंक यू। अब बस शायद इनको वेलकम बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, अब लड़कों की बेइज्जती भाई याद रखना, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। सुनाओ प्राची, कुड यू प्लीज टेल टू माय ऑडियंस जो अक्सर मैं कहता हूं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये है उनकी इंस्टाग्राम आईडी, आप जाकर के उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उनको करो या ना करो यार, मेरे को जरूर करना, ओके। मुझे भी करना, नाम जानते हो, दी विशाल दुबे इंस्टाग्राम आईडी, तो मुझे जरूर करना पड़ो, मुझे भी करना, हाँ ठीक है, इनको भी कर देना, कम करना, मेरे को ज्यादा करना, ठीक है, आपके बोलने से कर देंगे। चलो ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्प्रेड लव, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच प्राची, यू वेलकम, ओके, माय प्लेजर, बाय। और इसीलिए आज मैंने इस वीडियो के अंदर अपनी एक खास और अपनी प्यारी दोस्त को इनवाइट किया है, और हर नेम इज स्पेशल, सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या क्या था, तो अब अपन बात करते हैं क्वालिटीज पे, ओके। सो एक बॉय के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, फीमेल पर्सपेक्टिव से बताइए। सिर्फ उसके बाद 2 रुपए होने चाहिए।